Hey guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो, जोड़ कैसे सकते हो या फिर लिंक कैसे कर सकते हो। तीनों एक ही चीज है बट मैंने तीनों चीजें कह दी। तो इसका सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक स्टोरी लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो या फिर रील्स डाल रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे भी डल जाती है। तो आपको दो जगह एफर्ट्स लगाने का झंझट नहीं होता है, प्लस में आपको ज्यादा ऑडियंस कवर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आपका जो कॉन्टेंट है वो इंस्टा पे भी डल रहा है, फेसबुक पे भी डल रहा है, तो दो जगह अलग अलग ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। तो कैसे करते हैं हम ये चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज के साथ क्यों कनेक्ट करना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। पेज को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, एक मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद की जो सेटिंग्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में वीडियो देखेंगे, तो आप जो इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट डालेंगे, चाहे स्टोरी हो, पोस्ट हो या फिर रील्स हो, वो आपके पेज पे पोस्ट नहीं होगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना ताकि आप सारी सेटिंग्स को कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि फेसबुक की ऑफिशियल ऐप में फेसबुक अकाउंट को लॉगिन जरूर से कर लेना है, ताकि इंस्टाग्राम आपके फेसबुक पेज को डिटेक्ट कर सके और हम इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक पेज को कनेक्ट कर सकें। तो यहां से मैं आपको ओपन करके बता देता हूं, ये देखो मेरा फेसबुक अकाउंट यहां पे लॉगिन है। और याद रहे, आपको फेसबुक के ऑफिशियल ऐप में अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है, ना कि फेसबुक लाइट में, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो यहां पे मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, अब हमें जस्ट क्या करना है, इंस्टाग्राम में आ जाना है। इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे इस तरीके से, और यहां पे मेरी वो आईडी लॉगिन है जिसके साथ मुझे अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट करना है। तो हमें अब जस्ट क्या करना होगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना होगा। अब प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद हमें क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब हम स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, पेज का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद हमें साइड में दिख रहा है कनेक्ट और क्रिएट, इस पे हमें क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, बोलेगा लॉग इन टू फेसबुक। अगर आपका फेसबुक के ऑफिशियल ऐप में अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली फैच कर लेगा आपके पेज को, ठीक है। लेकिन अगर आपने फेसबुक के ऑफिशियल ऐप में अपनी आईडी लॉगिन नहीं की है, तो यहाँ पे आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगेगा फेसबुक की। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फेसबुक के ऑफिशियल ऐप में अपनी आईडी लॉगिन करके रख लेना, तो आपको झंझट नहीं होगा। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, लॉगिन टू फेसबुक पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे देखोगे मेरे दोनों की दोनों जो पेजेस हैं, ये इसने फैच कर लिए हैं, डिटेक्ट कर लिए हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट से मैंने टोटल दो पेज बनाए थे, दोनों यहां पे शो कर रहे हैं, एक का नाम है मनीष और दूसरे का नाम है डी। मैंने दोनों ही लेटेस्ट बनाए हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे 00 लाइक्स दिख रही है। तो अब आपको जिस भी पेज को कनेक्ट करना है, यानी जिस पेज पे आप चाहते हो कि इस वाले पेज पे इंस्टाग्राम का कंटेंट डाले, रील, पोस्ट एंड स्टोरी, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सेकेंड वाला पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन हमें कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो कनेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो अब हमारा फेसबुक पेज है वो इंस्टाग्राम के साथ लिंक हो जाएगा या फिर कनेक्ट हो जाएगा या जुड़ जाएगा। लेकिन अभी पोस्टिंग शुरू नहीं होगी, पोस्टिंग के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जो मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप यहां पे देखोगे जो आपका फेसबुक पेज है वो कनेक्ट हो गया, ये देखो मनीष डी लिखा आ गया, जो फेसबुक पेज का नेम था। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली जो हमारा फेसबुक पेज है वो इंस्टाग्राम के साथ लिंक हो गया है। अब पोस्टिंग और स्टोरी शुरू करने के लिए हमें वन बाय वन सेटिंग्स करनी होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम कोई भी फोटो पोस्ट करें तो वो हमारे पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पोस्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके फोटो को सिलेक्ट करना होगा किसी भी, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमें लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा एडवांस सेटिंग, इस पर हमें क्लिक करना होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फेसबुक वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना होगा, यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं मैंने इनेबल कर दिया है। तो अब हम जब इंस्टाग्राम पे कोई फोटो या पोस्ट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज पर डल जाएगी, लेकिन अभी रील का ऑप्शन और स्टोरी का ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो उसे भी हमें इनेबल करना सीखना होगा। तो उसे कैसे इनेबल करते हैं चलिए जान लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे बैक करना है,
प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, रील वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम 15 या 10 सेकंड की कोई वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर टू फेसबुक वाला जो ऑप्शन है वो अभी ऑफ है, तो हमें इसे ऑन करना होगा ताकि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी रील डालें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट हो जाए। तो हम इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टर्न ऑन फॉर ऑल रील्स पे क्लिक करना है ताकि हम कोई भी रील डालें तो वो हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट हो। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा टर्न ऑन फॉर ऑल रील्स। तो यहाँ पे हमारी रील्स की सेटिंग हो गई है, पोस्ट की सेटिंग हो गई है। अब हम स्टोरी की सेटिंग कर लेते हैं। अब हमें स्टोरी वाले सेक्शन में आ जाना होगा और यहाँ से हमें एक स्टोरी को सेटअप करना होगा। तो हम कोई भी अभी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, शेयर ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा शेयर टू फेसबुक एवरी टाइम, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई भी स्टोरी लगाएंगे वो हमारे फेसबुक पेज पर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देन हमें जस्ट शेयर के ऑप्शन पे या तो क्लिक कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेटिंग को सेटअप कर दिया है। अब मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे एक रील डालकर बताता हूँ एंड लाइव आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि वो हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट हुई है। तो यहाँ से मैं एक रील को सिलेक्ट करता हूँ ये वाली और इसको यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके फटाक से शेयर कर देता हूँ। अब ये शेयर होने में 2-4 सेकंड लेगी, ज़्यादा तो नहीं लेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं शेयर हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रील जो है वो पोस्ट हो गई है इंस्टाग्राम पे। अब मैं आपको फेसबुक पे ले चलता हूँ फटाक से। और फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमारे फेसबुक पेज को लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो फेसबुक पेज है वो स्विच हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोफाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो रील है वो पोस्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रील हमने इंस्टाग्राम पे डाली थी वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज पर भी पोस्ट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिखना, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज डालूँ तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।